साक्षी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ने मजबूत दावेदारी पेश की। खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने आगे ही किया था। वहीं दूसरी ही तरफ जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत भी होने वाली थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है और यह अभियान महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई और तब से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा का कद पार्टी में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी, जिन्होंने खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे ही किया था, अब देखा जाए तो मोदी सरकार के निशाने पर वह लगातार बने हुए हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को दोस्ताल का दोषी करार किया गया है। जी हाँ, सूरत के सेशन कोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला सुनाया और अब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। सदस्यता रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह करती हुई नजर आई है। आज 26 मार्च के दिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। यहां तक कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर परिवारवाद वाले बयान पर भी टिप्पणी की और साथ ही साथ अपने भाई राहुल गांधी को लेकर डंके की चोट पर उन्होंने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी की वायनाड से जो सांसदी जो जा चुकी है, उसके बाद यहां पर अब वायनाड में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं साल 2019 में राहुल गांधी ने जिस हार का सामना किया था अमेठी में, कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते थे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ रायबरेली भी गांधी परिवार का गढ़ है। रायबरेली से आशंकाएं जताई गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये अटकलें भी तेज हुई। पार्टी के नेताओं का कहना साफ तौर पर रहा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे और दूसरी ही तरफ यहाँ पर वायनाड को लेकर भी सियासत लगातार गरमाई हुई है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी का भविष्य क्या कुछ कहता है। आज इस खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर यहां पर अब आने वाले वक्त में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या वाकई में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी उन्हें चुनौती दे पाएंगे, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल तक की सजा सुना दी है। हालांकि उसी अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी, क्योंकि 30 दिनों तक अब उनकी इस सजा पर रोक लगाई गई है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आ रही है और अब कांग्रेस पार्टी लगातार मोर्चा खोल रही है, विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। जल्द से जल्द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि बैठक में अहम फैसला यही लिया गया। पार्टी के नेताओं ने ये सुझाव दिया कि अब राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए या फिर मुलाकात करनी चाहिए। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का समय भी मांगा गया है। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा और देश की महामहिम क्या कुछ अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, इन लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की रणनीतियां क्या कुछ होंगी? क्या वाकई में 2024 के चुनाव में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे या इन्हें चुनावी मैदान तक से बाहर होना पड़ेगा? इस खास रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी की कुंडली को लेकर हम जानकारी देने वाले हैं। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने हाल ही में एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि हाल ही में 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय
और नागालैंड में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस ने हार का सामना किया। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब मई के महीने में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, साल के अंत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही चुनाव होंगे और मिजोरम में भी। ऐसे में कांग्रेस यहां पर किस तरह से जीत बोलेगी, कांग्रेस पार्टी को अब चारों तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से टिप्पणी किए थे उसके चलते अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दूसरी ही तरफ संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी से उनके द्वारा लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही गई। विपक्ष यहां पर चाहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे। अब बात करते हैं यहां पर कि इस साल जुलाई के महीने तक का समय राहुल गांधी के लिए कैसा होगा, तो फिलहाल यहां पर यही सामने आया है कि राहुल गांधी की कुंडली में देखने से मालूम होता है कि इस साल जुलाई तक राहुल गांधी के लिए समय चुनौतियों से भरा रहेगा। वजह है इसकी कि राहु की कुंडली में जो चल रहा है वो राहु गुरु का योग है। वही राहुल गांधी की कठिन दशा क्यों यहां पर चल रही है, ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की कुंडली पर गौर किया जाए तो इनका जन्म 19 जून साल 1970 को हुआ दोपहर 2:28 पर। इस कुंडली में तुला लग्न उदित है और जन्म लग्न में नवांश कुंडली दोनों में ही गुरु वक्री होकर विराजमान है। राहुल गांधी की कुंडली में राहु पंचम भाव में है जबकि सूर्य और मंगल दोनों नवम यानी कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में गुरु की दृष्टि राहु और सूर्य एवं मंगल पर है। राहुल गांधी की वर्तमान स्थिति पर गौर किया जाए तो महादशा में गुरु की अंतरदशा देखने को मिली। 26 दिसंबर से 2021 से ये चल रहा है और 21 मई 2024 तक ये चलेगा। ऐसे में ग्रह दशाओं पर गौर किया जाए तो मई के महीने में कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होंगे जो राहुल गांधी के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं देखा जाए तो अब आने वाले वक्त में मार्च से राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा और शुक्र की प्रयंतर दशा देखने को मिल रही है। ऐसे में अब 2 मार्च से 26 जुलाई 2023 तक का जो समय है वो काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो वहीं अब इस कुंडली में लग्नेश होकर दशम भाव में विराजमान है। शुक्र दोनों ओर से पाप ग्रहों से घिरा हुआ है, शुक्र एक ओर केतु तो दूसरी ओर मंगल सूर्य से घिरा हुआ है, तो पाप कर्तरी दोष निर्मित होता है। राहुल गांधी को आगामी जुलाई तक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी कुंडली से मालूम होता है कि ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, सदस्यता उनकी जा चुकी है। ऐसे में अब कुंडली में वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए कुछ सुधार कर सकते हैं। और 2024 से पहले यहां पर देखा जाए तो राहुल गांधी तमाम दिक्कतों का सामना करेंगे। देखना होगा क्या वाकई में यहां पर राहुल गांधी की कुंडली में जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी के 2024 में चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरह से यहां पर राहुल गांधी को लेकर अब तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। देखना यहां पर दिलचस्प होगा। फिलहाल तो यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो एग्जिट पोल्स जो किए जा रहे हैं उनके मुताबिक यही सामने आ रहा है कि एक बार फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपके क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।